नमस्कार दोस्तों, एसआरजे गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम वर्बीना में ज़्यादा फूल कैसे पाएं, इस पौधे को घना कैसे करें, हम इसमें कौन कौन सी खादें डालें ताकि हमारा पौधा की ग्रोथ अच्छी से बनी रहे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वर्बीना के पौधे में बहुत सारे कलर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे रंगों में आपको ये पौधा मिल जाता है और इसके जो फ्लावर आते हैं पूरा गुच्छे में आते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसमें गुच्छे में फ्लावरिंग होती है। तो इसकी ग्रोथ कैसे बढ़ाएं, ज़्यादा फूल कैसे पाए, इसी के बारे में आज जानते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, अगर हमने अभी नया नया प्लांट लिया है तो हमें कैसे लगाना चाहिए। तो अगर हम सॉइल मीडिया की बात करें तो यहाँ पे मैंने जो सॉइल मीडिया यूज़ की थी उसमें मैंने 40% मिट्टी यूज़ किया था और मैंने 30% इसमें कोकोपीट यूज़ किया है और मैंने 30% कंपोस्ट खाद यूज़ की है। तो आप भी इसी मिश्रण में वर्बीना का पौधा लगा के अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आपको 50% मिट्टी लेनी है, 20% उसमें सैंड यानी रेत मिला देनी है और उसमें 30% कोई भी कंपोस्ट जो आपके पास उपलब्ध हो उसको आप मिला सकते हैं, चाहे गोबर खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो या पत्ते वाली खाद हो। तो इस मिश्रण में पौधा आपको लगा देना है। इसके बाद दोस्तों, इस पर भी आपको जो फ्लावर आते हैं उसको तोड़ते रहना होता है, सीड पॉट नहीं बनने देना होता है ताकि हमारा पौधा घना हो जाए। मैं आपको आज करके भी बताता हूँ कि आपको कैसे करना होता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जो इसमें फ्लावरिंग हो जाती है उसको आपको निकालते रहना होता है। जैसे इसमें आपको देख पा रहे होंगे सारे जो फ्लावर गिर गए हैं नीचे, तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, इन सारे को हम नीचे से कट कर देंगे। इससे होता यह है कि जो हमारे पौधे की एनर्जी होती है वो वेस्ट नहीं होती है और जो नए फ्लावरिंग होती है उस पर चली जाती है, साथ ही पौधे की ग्रोथ भी अच्छी बनी रहती है और पौधा हमारा घना भी लगता है। तो ये चीज़ें आपको करनी होती हैं। अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आप देखेंगे पौधे की ग्रोथ सही से नहीं हो रही है और ज़्यादा फ्लावरिंग भी नहीं होती है, क्योंकि जब सीड पॉट बनने लगते हैं तो इसमें बीज बनना तैयार हो जाता है, यानी बीज बनने वाली जो प्रक्रिया होती है वो स्टार्ट हो जाती है और तब हमारा जो पौधा है वो फूल कम देने लगता है, इस बीजों पे अपना सारा एनर्जी वेस्ट करता रहता है। तो इनको आपको तोड़ते रहना है समय समय पे। साथ ही सर्दी का अभी मौसम चल रहा है तो इसमें आपको अपने पौधे को पाले से भी बचाना है। पौधे को थोड़ा ढक के आप रखिए रात में, अगर अधिक पाला पड़ रहा है तो किसी शेड में रख दीजिए, छायादार जगह पर रख दीजिए रात में, और दिन में आप धूप में रखिए। तो आप देख पा रहे होंगे कुछ पत्तों पर पाले का असर हुआ है, लेकिन मैं अब पौधे को अपने छाँव में रखता हूँ। तो यही आपको करना है, सबसे पहले तो आपको अच्छे से पौधे को लगा लेना है अच्छे से सॉइल मीडिया में। उसके बाद में हमें इस पे जो सीड पॉट बनते हैं, जो फ्लावरिंग हो जाती है, उसको तोड़ते रहना है और बहुत सारे कलर ऑप्शन में आपको ये पौधा मिल रहा है। नीचे से आप ग्रोथ अगर देखेंगे तो काफ़ी इसमें ग्रोथ अभी हो रही है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तो ये वाला फ्लावर वाला जो पॉट होता है यानी जो सीड पॉट होते हैं उसको निकाल देना है, साथ ही मिट्टी की गुड़ाई भी आपको करना है। तो आप देख पा रहे होंगे मेरी मिट्टी पहले से ही आपको भुरभुरी नज़र आ रही होगी, तो इसमें जो खरपतवार हो उसको भी आपको निकालते रहना है। कुछ खरपतवार हमारी मिट्टी में रहते हैं जो जम जाते हैं, उनके बीज रहते हैं, तो उसको भी आपको तोड़ के निकालते रहना है। साथ ही मिट्टी की गुड़ाई भी आपको हर 15 दिन पर एक बार तो कम से कम करना ही है। इससे मिट्टी में जो हवा का संचार होता है वो बना रहता है और पौधे की जो जड़ें होती हैं वो सही से विकसित हो पाती हैं। दोस्तों, जब हम बार बार किसी पौधे में पानी देते हैं तो ऊपरी वाली जो सतह होती है वो पूरी तरह से सख्त हो जाती है, तो इसलिए हमें बार बार करते रहना है। हर 15 दिन पे एक बार मिट्टी की गुड़ाई करते रहिए, साथ ही उसमें जो भी खरपतवार आपको जमता दिखाई दे उसको भी आपको निकालते रहना है। अब हम बात करते हैं खाद की। तो दोस्तों, वर्बीना के पौधे पर आप चाहे गोबर वाली खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, जो आपके पास उपलब्ध हो, अगर पत्ते वाली खाद है तो सबसे बेहतर होती है। और यहाँ पे हम गोबर वाली खाद को यूज़ करने वाले हैं, जो आपके पास खाद उपलब्ध हो उसको आप इस्तेमाल करिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं या घर पे बनी हुई जो खादें होती है वो काफ़ी बेहतर होती है। आप अपने किचन बेड से भी खाद बना के अपने पौधे में यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है संसाधन तो आप मार्केट में आपको ये खादें भी मिल जाती है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्बीना के लिए अगर सबसे अच्छी खाद की बात की जाए तो गोबर खाद हो गई, वर्मी कंपोस्ट या पत्ते वाली खाद, यही तीन खाद जो परमानेंट हम अपने पौधे पे देते हैं, इन्हीं में से जो आपके पास उपलब्ध है उसको आप दे दीजिए। अगर कई खादें आपके पास हैं तो आप सबको मिला के एक मिश्रण तैयार कर लीजिए, मतलब सबको बराबर मात्रा में आपको मिला लेना है अगर आपके पास सारी खादें हैं तो। उसके बाद में एक मुट्ठी पर प्लांट के हिसाब से आपको देना है।
अपने हर गमले में आपको एक मुट्ठी के हिसाब से देना है। तो सबसे पहले तो आपको गुड़ाई करनी है, उसके बाद में एक मुट्ठी खाद अपने पौधे पे आपको देना है। पौधे की एकदम जड़ के पास नहीं देना है, थोड़ा दूर, तने से दूर आपको रखना है। मेन जो ब्रांच होती है नीचे से, जहाँ से जड़ निकली होती है, उससे थोड़ा दूर आपको अपने पौधे के चारों तरफ ये डाल देना है। इसके बाद में हल्की सी फिर से गुड़ाई कर देनी है। उसके बाद में हम इसमें फिर से पानी दे देंगे। अगर आप चाहते हैं कि पौधे की ग्रोथ अच्छे से हो, तो आपको हर 15 दिन के अंतराल पे गोबर खाद हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, जो भी आपके पास हो, उसको आपको एक मुट्ठी की मात्रा अपने पौधे पे देनी है। पौधे को पाले से बचाना है, ज़्यादा पानी आपको अपने वर्बीना वाले पौधे पे नहीं देना है। आप मेरा दूसरा प्लांट देख लीजिए, इसकी जो सारी मिट्टी है एकदम सूखी हुई आपको नज़र आ रही होगी। तो ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, ना एक बार में ज़्यादा खाद देनी है। नीचे से आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारी नई नई ब्रांच निकलना स्टार्ट हो गई है, और कुछ ही समय के बाद आपका पौधा घना हो जाएगा। तो सरसों की खली की जो खाद होती है, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत गर्मी के दिनों में आपको पौधे को थोड़ा छायादार जगह में रखना होगा। अभी तो जनवरी चल रही है, फरवरी के बाद, फरवरी मध्य से बहुत तेज़ धूप निकलना स्टार्ट हो जाती है, तो उस समय आपको पौधे को सीधा धूप में नहीं रखना है, थोड़ा छायादार जगह पर रखना है, जहाँ पर 2-4 घंटे की धूप आती हो और हल्की छन की धूप आती हो। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और बहुत जल्द ही अन्य प्लांटों के ऊपर भी वीडियो आने वाली है, तो चैनल पे बने रहिए, साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।